हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि HSW एम्ब्रॉयडरी मशीन जब इंस्टॉल होता है तो कौन से पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना है ताकि आपका इंस्टॉलेशन एकदम परफेक्ट हो, फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आए और आपके मशीन में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम के हिसाब से। तो कृपया एंड तक वीडियो को देखिए। हाय फ्रेंड्स, मैं तपन कपाड़िया HSW एम्ब्रॉयडरी चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों को काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि HSW एम्ब्रॉयडरी मशीन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी शिकायतें भी सुनी है कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से फिनिशिंग में प्रॉब्लम आता है, मशीन आउट जाने का प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि जब आप खुद इंस्टॉल करते हो मशीन को या कोई इंजीनियर आके इंस्टॉल करता है तो आपको कौन से पैरामीटर्स पे खास ध्यान देना है ताकि आपको पता चले कि आपका मशीन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। तो अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ये इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स क्या क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक ये लिक्विड लेवल मीटर, जो मशीन का लेवलिंग सही है या गलत है ये आपको बताएगा। सेकेंडरी आपको चाहिए ये वोल्टेज मीटर। तो आप कृपया ध्यान दें कि जब इंजीनियर आए या आप खुद करें तब वोल्टेज मीटर से वोल्टेज चेक कीजिए और लेवलिंग स्केल से लेवलिंग चेक कीजिए ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम मशीन के पास चलते हैं और आपको क्या क्या पैरामीटर्स पे ध्यान देना है ये आपको बताते हैं। सो गाइस, ये हमारा मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मशीन का टेबल सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए ये हमारे पास लेवलिंग स्केल है। तो सबसे पहले जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमको चेक करना होता है कि ये नीडल प्लेट और ये टेबल ये सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, ये हमने यहाँ पे रख दिया स्केल को। अभी आपको देखना है कि जैसे ये नीडल प्लेट है और ये टेबल है तो नीडल प्लेट और टेबल के बीच में ये जो गैप है ये 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्केल है ये स्केल इसके ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। तो हमको 1 या 2 mm का गैप रख के ये टेबल को लेवलिंग करना है। सेकंडली हमको ये चेक करना है कि ये टेबल हर तरह से लेवलिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेवलिंग मीटर यहाँ पे रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो बबल है ये दोनों लाइन के बीच में है तो इतना एरर ऑफ मार्जिन चल सकता है। अगर हमको इसको भी सेट करना है तो हम कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि ये लेवल ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम है। तो कृपया आप ध्यान रखिए कि ये लेवल ऐसा हो। हम इसको तीनों तरफ से चेक करेंगे। जैसे कि ये बीच में हमने रखा और आप देख सकते हो कि लेवल एकदम परफेक्ट है, बबल एग्जैक्टली बिटवीन है। इसको हम इस साइड पर रखेंगे। अभी आप देख सकते हो, अभी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, अभी आप देख सकते हो कि इसका लेवल भी बिल्कुल मार्जिन के अंदर है बबल। तो ये लेवल एक बार ओके है, ये इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो ये जो टेबल सपोर्ट है ये टेबल सपोर्ट के स्क्रूज को लूज करना रहेगा और आप टेबल को ऐसे ये इसको अप एंड डाउन करके आप इसको सेट कर सकते हो। अभी ये हमने टेबल चेक कर लिया है। भी टेबल चेक करने के बाद हमको ये देखना है कि स्टैंड इसका लेवलिंग हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम ये स्केल को रखेंगे नीचे, ऐसे स्केल को नीचे के सपोर्ट पे रखा है और आप देख सकते हो कि बबल एग्जैक्टली बिटवीन में है तो ये लेवलिंग परफेक्ट है। अगर ये लेवलिंग अनइवन है तो आप ये स्क्रू से इसको अप डाउन करके सेट कर सकते हो।
जिस तरीके से हमने ये फ्रंट के सपोर्ट चेक किए हैं, वैसे ही हमको यहाँ ये पीछे के सपोर्ट चेक करने हैं। और पीछे में हमको ये चेक करना है कि ये लेवल सही है या नहीं है। हमने फ्रंट के सपोर्ट चेक किए, वैसे ही ये साइड के सपोर्ट चेक करने हैं। और ये देखिए बबल एकदम सेंटर में है, मतलब ये हमारे जो स्क्रूज है ये एकदम परफेक्टली है। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ अप एंड डाउन लगे तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये लेफ्ट साइड का सेट किया, वैसे ही हमको यहाँ पे पीछे जो दूसरी साइड है वहाँ पे रख के चेक करना रहेगा। और वहाँ पे भी आपको देखना है कि बबल सेंटर में है या नहीं है। और हमको ये खास ध्यान रखना है कि इंस्टॉलेशन के बाद ये जो नीडल्स है ये सब एक लाइन में एक ही लेवल पे होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको क्या चेक करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चेक करने के लिए आपको चाहिए एक वोल्टेज मीटर। अभी वोल्टेज मीटर में हमको दो मेन चीज़ चेक करनी है, एक तो इनपुट वोल्टेज कितने हैं, सेकंडली इसका अर्थिंग लीकेज है या नहीं है, अर्थिंग प्रॉपरली हुआ है या नहीं है। तो अगर वोल्टेज अप डाउन होता है तो इससे मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जल जाता है, और अगर एक बार इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जल जाता है तो ये वारंटी से बाहर हो जाता है। तो कृपया करके आप कोई अच्छा स्टेबिलाइजर लगाइए अगर आपके वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, और वोल्टेज को 220 वोल्ट पे सेट कीजिए। अभी हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज कैसे सेट होता है। सेकेंडली आपको चेक करना है अर्थिंग। अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो स्क्रीन हैंग होने का प्रॉब्लम आता है, और लॉन्ग टर्म में आपकी आईसीज में प्रॉब्लम आता है। तो कृपया करके अर्थिंग भी चेक कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। इसके लिए मैं मेरे जो इंजीनियर है एड इंजीनियर, उसको मैं इन्वाइट करता हूँ कि ये आपको वोल्टेज चेकिंग बता देवे। वोल्टेज चेक करने से पहले आपको ये चेक करना है कि ये 0-0 है। अभी आपको यहाँ पे स्पार्क प्लग में ये डालना है और आप ये चेक कर सकते हो वोल्टेज 236 है। हमारे मशीन में इतना फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेड है 220 टू 240 के बीच में। तो आपको ये चेक करना है कि वोल्टेज इनपुट 220 टू 240 के बीच में हो। और अगर आप यूएसए कैनेडा में हो और आपके वहाँ इनपुट 110 है तो आपको ध्यान रखना है कि ये 110 टू 120 के बीच में होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि अर्थिंग कैसे चेक करते हैं। अभी पहले आप ये देखिए कि ये वोल्टेज मीटर पे 0-0 है। तो अभी आपको पहला एक वायर रेड वायर अर्थिंग में डालना है और दूसरा वायर आपको यहाँ पे लगाना है मशीन के ऊपर कोई भी स्क्रू में। तो आप चेक करोगे ये मीटर में 0-0 रहना चाहिए। अगर 0-0 रहता है इसका मतलब कि अर्थिंग लीकेज नहीं है। अगर ये वैल्यू एक या दो कुछ भी अगर वैल्यू 0 से कम या ज़्यादा आती है इसका मतलब कि अर्थिंग में प्रॉब्लम है, आपको अर्थिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको इंस्टॉलेशन के वक्त क्या क्या चीज़ों को चेक करना है और उसको कैसे सही करना है ये वीडियो के द्वारा आपको पता चला होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग इंस्टॉलेशन के वक्त ये करना भूल जाते हैं और उसी वजह से उनको 3-6 महीने बाद प्रॉब्लम आता है। तो प्लीज़ आप इंस्टॉलेशन के वक्त इनपुट वोल्टेज, अर्थिंग और लेवलिंग को चेक कीजिए ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए और कोई लंबा प्रॉब्लम नहीं आए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त ऐसी ही किसी समस्या की वजह से जूझ रहा है तो उसको वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो मशीन को प्रॉपर इंस्टॉल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोड करें वो आपको तुरंत देखने को मिले। थैंक यू।